नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। रक्षाबंधन के मौके पर केंद्र सरकार के द्वारा गैस सिलेंडर पर 200 रुपए कम करके देशवासियों को सौगात दी गई थी। मोदी सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने नाराजगी जताई है और मोदी सरकार के फैसले का विरोध करते हुए केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि यह मोदी सरकार देश की जनता को पहले लूटती है, उसके बाद सौगात के नाम पर भोले भाले देशवासियों को बरगलाने की कोशिश करती है, जिसके खिलाफ झारखंड कांग्रेस झारखंड के 24 जिलों में बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ 4 सितंबर को धरना प्रदर्शन करेगी। इसके बावजूद अगर केंद्र सरकार महंगाई को नियंत्रित नहीं करती है तो आने वाले दिनों में व्यापक आंदोलन किया जाएगा। पूरे प्रदेश में आज हम लोगों ने महंगाई के खिलाफ और जो मोदी सरकार की झूठ है उसके खिलाफ प्रेस वार्ता कर रहे हैं। कल हम लोग पूरे राज्य में जिलावार धरना करेंगे और लोगों को ये बताने का काम करेंगे कि एनडीए के डीएनए में ही लूट है। लूट कर छूट देना ये उनकी प्रवृत्ति सी बन गई है। जब सिलेंडर का दाम बढ़ता गया, लोग कराहते रहे, तब तक प्रधानमंत्री जी का को ख्याल नहीं आया जब तक कि सिलेंडर और स्मृति ईरानी का फोटो एक साथ वायरल होने लगा और ये लगा प्रधानमंत्री जी को कि कुछ ज़्यादा हो गया है, इसको कम करना होगा। और जनता ने जिस तरह से महंगाई के विरोध में सोशल मीडिया पर जिस तरह के कमेंट्स आए उसमें ऐसे लगने लगा था, और एक तरफ स्मृति ईरानी जी का फोटो होता था, दूसरी तरफ ये लिखा होता था कि महंगाई डाइन खाए जाते हैं, तो उससे ये लगता था कि कहीं ना कहीं शायद ये स्मृति ईरानी जी पर हमला है। लेकिन सच्चाई ये थी कि स्मृति ईरानी जी 2013 और 14 में जिस तरह के विरोध करती थी, जिस तरह का तरीका था, तो निश्चित रूप से जनता से उनको बहुत उम्मीद थी और जनता ने उनको कहीं ना कहीं ये बताने का काम किया कि आप पहले बोलती थी अब चुप क्यों हैं। प्रधानमंत्री जी को चुप्पी तोड़नी पड़ी और प्रधानमंत्री जी ने सिलेंडर के दाम में 200 रुपये की कमी कर दी। पूरे देश में इस तरह का माहौल बनाया गया कि रक्षाबंधन पे बहनों को तोहफा देने का काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। मणिपुर की बहनों को क्या तोहफा दिया आपने? पहलवान बहनों को क्या तोहफा दिया आपने? रक्षाबंधन में बहन की रक्षा करने का संकल्प लिया जाता है, किन बहनों की रक्षा कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, मध्य प्रदेश में जिस तरह की घटनाएं सामने आई, मणिपुर में जिस तरह की घटना सामने आई, प्रधानमंत्री जी ने 36 सेकंड से ज़्यादा उस पर बोलना भी मुनासिब नहीं समझा। लेकिन रक्षाबंधन के दिन ऐसा माहौल बनाया गया मानो कि इसी गैस के सिलेंडर से माताओं और बहनों की इज्जत बचेगी। जो आप देखेंगे तो जो पिछले 9 सालों में सरकार ने रसोई गैस के दाम में लगातार बढ़ोतरी करके जनता से 31.37 करोड़ लोगों को लूटने का काम किया, और सिर्फ हमारे उज्ज्वला बहनों से ही 2017 से अब तक मोदी जी ने 68,702 करोड़ रुपए लूटने का काम किया। 640.76 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लूट हुई। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने समझा कि बहुत ज़्यादा लूट लिया है और अब उस लूट में कुछ छूट देने की बात की जाए, और 1167 रुपये का सिलेंडर झारखंड में 967 रुपये का हो गया।
इसको सच पूछा जाए तो केंद्र सरकार ने लोगों की ऐसी हालत कर दी कि प्यास से गला सूख जाए, फिर दो बूंद पानी पिलाकर उसके गला को सुखाया जाए और उसको कहा जाए कि तुमको जिंदा रखने का प्रयास कर रहे हैं। 9.5 वर्षों में ईंधन में टैक्स द्वारा मोदी सरकार ने 30 लाख करोड़ रुपए की मुनाफाखोरी की है। 2014 से अब तक मोदी सरकार द्वारा गैस के सिलेंडरों में 185% की वृद्धि की गई और जब 200 रुपया कम किया गया तो उससे 17.5% की कमी की गई है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से लगातार हर चीज़ में लूट हो रही है और जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था, और आज अगर आप अखबार पढ़ेंगे तो जो चर्चा है, जिस तरह से जो करोड़पति लोग हैं उनको किस तरह से करोड़ों करोड़ में छूट दी जा रही है, ये किसी से छुपा नहीं है। चाहे वो मीडिया के साथी हों, चाहे वो बड़े उद्योगपति हों, सभी को छूट दे करके कहीं ना कहीं प्रभावित करने का काम किया जा रहा है। कहने का सीधा मतलब ये है कि हमसे लूटा जा रहा है और लोगों को छूट दिया जा रहा है, या यूं कहिए कि माफ़ कर दिया जा रहा है करोड़ों करोड़ रुपए। और उसके बाद जब इस तरह की बात करते हैं तो ये लगता है कि इस देश में एक ही काम हो रहा है कि गरीब को गरीब बनाते चले जाओ, अमीर को अमीर बनाते चले जाओ। फासला इतना बढ़ गया है कि एक आदमी के गले में 500 ग्राम का चेन है और दूसरा भूख से बिलबिला रहा है, और उसका नतीजा ये होता है कि आप पूरे देश में देखेंगे तो जो लूट हत्या की घटना में बढ़ोतरी हुई है, इसका भी कारण आर्थिक है। जो आत्महत्या हो रही है वो आर्थिक कारणों से हो रही है। पहले कहते थे कि तमाम दवाइयों पे छूट मिलेगी और इसमें ऐसा होगा, उसमें वैसा होगा, उसमें 32 से लेकर के 100% तक बढ़ोतरी हुई है। तो जब एक तो बीमार पड़ने के लिए कह रहे हैं, दूसरा दवा में बढ़ोतरी कर रहे हैं, इसका मतलब सीधा है कि जहां जाओगे लूटे जाओगे। तो इस तरह का जो प्रयास चल रहा है, इससे हम लोग आगाह करने के लिए और इस बात का विरोध करने के लिए हम लोग पूरे प्रदेश में कल धरना भी करेंगे और लोगों को बताने का काम करेंगे कि देश की जो GDP थी वो किस तरह से गिर रही है, किस तरह से डॉलर के दाम में, जो डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता जा रहा है। जो लोग कहते थे कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की उम्र का हवाला दे करके, अब अगर वो देखेंगे तो मोदी जी के उम्र से बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है मामला। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी जो कच्चा तेल 2014 में की तुलना में 20% कम होने के बावजूद आज भी डीजल पेट्रोल में के दामों में कोई कमी नहीं हुई, बल्कि उससे 30-40% ज़्यादा दामों में बेचे जा रही है। 12 महीनों के में अगर देखेंगे तो डॉलर के मुकाबले रुपया 12% गिर चुका है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संतुलन भी बिगड़ता जा रहा है, विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम होते जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम लोगों के लिए चिंता का विषय है, और प्रधानमंत्री जी के लिए सिर्फ चिंता का विषय इंडिया है, इंडिया के घटक दल के लोग हैं, लगातार आरोप लगाते हैं अपने ऊपर, जो आरोप लगते हैं उसका जवाब नहीं देते हैं। तो हम लोग लगातार संघर्ष करते आए हैं और एक बार फिर से हम लोगों ने महंगाई के खिलाफ़ हल्ला बोल किया है।